हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही विश करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उस कार्ड में लिखा है आस्क एंड रिसीव, और सेकेंड जो ऑप्शन है वो है होली लव। तो दोनों में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रुप वन ये है आस्क एंड रिसीव, और ग्रुप टू है होली लव। तो आपको याद रखना है, जनरल रीडिंग है तो सारे पॉइंट रेजोनेट नहीं हो सकते। जो भी आपको पॉइंट रेजोनेट करता है आप उसी को लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप वन से, देन ग्रुप टू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप वन चूज़ किया है, आस्क एंड रिसीव। तो देखते हैं आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है आस्क एंड रिसीव, उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। पहला कार्ड आया है टेन ऑफ हार्ट, दूसरा है टू ऑफ स्पेड, एट ऑफ डायमंड, टेन ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड और फोर ऑफ हार्ट। या एंड ऑफ द डेक है सेवन ऑफ हार्ट। तो यहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त ये चल रहा है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल एक जैसे मैरिड कपल रहते हैं वैसे आप लोग का रिलेशनशिप था, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो जो एक फुलफिलमेंट होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है दो दिलों के बीच में, वैसा आप दोनों का रिलेशनशिप था। पर ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप एंड हो गया, और ये जो एंडिंग हुई है आपके पर्सन के तरफ से हुई है। ये सेपरेशन जो हुई है वो आपके पर्सन के तरफ से हुई है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को इस वक्त बहुत ज़्यादा दोषी समझते हैं, और वो पास्ट की चीज़ों का इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से जो जो गलतियाँ हुई थी और वो सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इन्होंने जो आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया है, जो रायता फैला दिया है, अब ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अब इनके दिल में ये चल रहा है कि किस तरीके से ये आपके साथ जो है पास्ट का जो इन्होंने इतना कुछ बिगाड़ दिया है उसे ठीक किया जाए। तो ये आपके साथ दोबारा यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, पर उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी उन्होंने पास्ट में किया है और जो भी गलतियां उनकी तरफ से हुई है वो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उनके पास कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी है सेवन ऑफ हार्ट, ये पर्सन आपके साथ दोबारा मौका चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और साथ में यहाँ पर है सिक्स ऑफ हार्ट, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, पुराने जो आप लोग के अच्छे मोमेंट्स थे वो याद कर रहे हैं, और उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने इस प्योर रिलेशनशिप को इस तरीके से एंड कर दिया अचानक से। यहाँ पर क्वीन ऑफ क्लब, पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने लाइफ के करियर या फिर आप दूसरे चीज़ों में बिजी हो। हो सकता है आपके लाइफ में कोई उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है जिनसे कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप उनके साथ अभी रिलेशनशिप में हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो आपके पर्सन आपके साथ दोबारा इस वक्त सोच रहे हैं दोबारा रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में, पर उनको नहीं पता वो कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो भी किया है उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट
मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ कि उन्हें रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, हम टैरो कार्ड से देखते हैं अब। तो देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन, ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन, उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है लवर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता ये कैसे करेंगे। पर आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। इन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया, उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त ग्रुप 1 के बारे में। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद करके मिस कर रहे हैं आपको, जो आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिवाइव कर रहे हैं आपके पर्सन। वो ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में कितना खुशियों भरा टाइम था जब आप और वो साथ थे, और उनको ऐसा लगता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा आप लोग के बीच में सिचुएशन आएगा और आप दोनों अलग हो जाएंगे। तो वो बेसिकली आपसे रीयूनियन चाहते हैं, वो आपको बहुत अपना अच्छा फ्रेंड समझते हैं, अपना सोलमेट भी समझते हैं। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड। ठीक है, तो आपसे जुदा होके आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे हैं, दुखी है, और बहुत ऐसे उनके हो सकता है कि लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड से चीज़ें हो रही है। जब से आप उनके लाइफ से गए हो बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख में है, ग्रीफ में है। तो वो अभी यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि कितना खूबसूरत था वो पल जब आप दोनों मिले थे, आप दोनों के बीच में प्यार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से सेपरेशन हो गया। तो ये चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। मैंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया, उनके पर्सन उनके बारे में और क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, पर हो सकता है आप दोनों के बीच में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मींस आपके पर्सन ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप में हो सकते हैं या ऑलरेडी आप हो सकते हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त इस हालत में है। 3 ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ सोर्ड की हालत में है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। हो सकता है जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। 1 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है मून। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन रात को या हमेशा रोते रहते हैं, उनके दिल में बहुत डीप डाउन एक बहुत भारी बोझ, मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है, बहुत बोझ है कि हो सकता है अभी इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर में है, एंजाइटी में है और सच्चाई को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी इनके लाइफ में अभी सच्चाई है, जो भी फेस कर रहे हैं इस वक्त, हो सकता है दूसरे रिलेशनशिप में है पर वहाँ खुश नहीं है, या फिर अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है तो आपसे दूर हो के आपके पर्सन खुश नहीं है, ये कार्ड से ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को किसी बात का बहुत ज़्यादा डर है, कि उनको ऐसा भी डर मुझे दिख रहा है कि कहीं आप उनको भुला तो नहीं दिए हो, इस तरीके भी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
और हम अब देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दूसरे कार्ड से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया वो अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है वो अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, यहाँ पर है टावर, एंड ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने पास्ट में अपने तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। हो सकता है हर बार आप ही इस पर्सन को, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी आप ही आगे बढ़ के चीज़ों को सॉल्व करते थे, या फिर आप अपने तरफ से हमेशा कोशिश करते थे कि ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट दे, सब कुछ ठीक हो। पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपकी जो वैल्यू है वो रियलाइज़ नहीं की, आपको बहुत देर तक वेट कराया। हो सकता है इन्होंने, आप इनके मैसेज या कम्युनिकेशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आप वेट कर रहे थे कि ये आपने जो भी एक्शन लिया था इनके तरफ, हो सकता है आप अपने तरफ से इनको मैसेज या आपने कॉल किया था, पर हो सकता है आपके पर्सन ने उस तरीके से आपको रेस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर बहुत टाइम तक इन्होंने इन एक्शन रखा, मीन्स इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया और आप इनके लिए बेसब्री से वेट करते रहे। ठीक है, इन्होंने अपने जो बाकी जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट किया, तो आप इनके लिए यही फील करते हो कि आपको लगता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, पर आपको बदले में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं मिला, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग्स हुई है। यहाँ पे यहाँ टावर का कार्ड है या एम्प्रेस का भी कार्ड है, पर कहीं ना कहीं अभी भी आप इस पर्सन को बहुत चाहते हो, अभी भी आपके दिल में इस इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि नफरत हो गई है, आपको अभी भी इनके लिए ही प्यार है। ठीक है, ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, क्योंकि इनके लिए जो आपका आपके मन में अट्रैक्शन है वो आपके इतने डीपली है आपके हार्ट तक कि आप नहीं सोच सकते किसी और के बारे में। साथ में मुझे ऐसे भी एनर्जीज आ रही है कि आप इन्हीं के साथ अपनी फैमिली एक्सपेंड करना चाहते हो, आप इन्हीं के साथ चाहते हो सब कुछ, पर आप बहुत टाइम से इन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हो कि ये आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ भी रिलेशनशिप रहे और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी रिलेशनशिप रहे, और सीक्रेट आपके साथ रिलेशनशिप रहे, ये आपके पर्सन चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपके बिना भी नहीं रह पा रहे, आपको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन सोचते हैं, और आपकी मैंने फीलिंग्स बताई कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में अपने तरफ से एफर्ट किया है, पर रिटर्न में आपको ऐसा मुझे लग रहा है इस इंसान ने सडनली कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, या आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपके साथ ऐसे करेंगे, पर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि आप बिल्कुल अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत हिल गए आप अंदर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं आप विश कर रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए, अभी भी आपको उम्मीद है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाए, क्योंकि आप तो इन्हें प्यार करते हो, अभी भी प्यार करते हो, आप चाह रहे हो कि ये जो इंसान है ये आपके तरफ आए, रिलेशनशिप में बैलेंस बने। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है,
तो आप चाहते हो कि आपके तरफ एक्शन ले। बहुत ज़्यादा ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को, उन चीज़ों से बाहर आए और ये आपको कमिटमेंट दे, आप ये चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। पर डेफिनेटली आपके पर्सन आपको यहाँ मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपको चाहते नहीं, आपको चाहते हैं। एंड ऑफ द डेक भी यहाँ किंग ऑफ कप्स है। तो कभी कभी आपके पर्सन ऐसा होता है कि बिल्कुल भी शो नहीं करते कि वो आपको चाहते हैं, पर एक्चुअल में उनके जो दिल में आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए उनके जो दिल में फीलिंग्स है वो बिल्कुल स्टेबल है। मींस ऐसा वो चाहे फैमिली के प्रेशर से हो या कोई थर्ड पार्टी में हो आपके पर्सन, फिर भी कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके पर्सन के क्या करंट फीलिंग्स हैं। पहला कार्ड हमें जो है आया है वो है लव योर सेल्फ फर्स्ट। इट इज सेफ फॉर यू टू लव सोलमेट। और यहाँ पर है कीप एन ओपन माइंड और हनीमून। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे ट्रू लव। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि आप ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन मीन्स कि आप ऑलरेडी हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को जो प्यार है आपके दिल में वो आप नहीं दिखा पा रहे हो। तो यहाँ जो है यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपके तरफ से ही रिलेशनशिप एंड हुआ है, वाइस वर्सा यहाँ एनर्जी हो सकती है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट का जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं। साथ में इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो आपके पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो काफ़ी उसमें सेफ और सिक्योर और बहुत लविंग एनर्जीज फील करते हैं। और वो इसलिए ये फील करते हैं क्योंकि आपको अपना सोलमेट समझते हैं। आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है जो आपके पर्सन भी फील करते हैं। यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है और हनीमून का कार्ड है। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी दूसरे सिचुएशन भी है जिसकी वजह से वो आपके साथ जो रिलेशनशिप एक्चुअल में होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में जो फुल कमिटमेंट होनी चाहिए वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ हनीमून का भी कार्ड है, तो वो उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जो आप दोनों ने एक साथ जो बिताए थे, वो सारी चीज़ें याद करते हैं क्योंकि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। ट्रू लव का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन के तरफ से देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके रिलेशनशिप का आउटपुट क्या है। एनवी, उसके बाद है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पर है डोर टू वैल्यू और डोर टू रोमांस। यहाँ सारे दरवाजे आ गए हैं, डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पर एनवी का कार्ड आया है। ठीक है, तो एनवी का कार्ड मुझे ये बता रहा है, तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप से डिससेटिस्फाइड हैं। हो सकता है इनके पास वो सब कुछ है, हो सकता है फाइनेंशियल चीज़ें हैं, सब कुछ लाइफ में है, पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसेटिस्फाइड है। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डोर जो है, डोर सारे आए हैं यहाँ पर कार्ड। मीन्स आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि उनके लाइफ में वो हीलिंग नहीं है, पर्सनल हैप्पीनेस नहीं है,
वो अभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में और भी पैसा होना चाहिए, और भी अबंडेंस होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में वो प्यार नहीं है जो वो चाहते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी खुद के पर्सनल चीज़ों में ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। हालांकि आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ से इस वक्त बहुत डिससेटिस्फाइड है। और कोई इंसान तभी कोई राइट फैसला ले सकता है जब वो खुद के अंदर, खुद अपने अपने लिए अपने अंदर सेटिस्फाइड हो, तभी तो वो किसी और को वो खुशी दे सकता है। जब वो खुद ही अनसेटिस्फाइड है, खुद ही उनको लगता है हर चीज़ में कमी है। जैसे कि ये जो लेडी है, इसके हाथ में यहाँ मोती है, पर्ल्स है, फिर भी ये, इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये एनवी है, इसके डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ से। इनको अभी भी ये सारी चीज़ें चाहिए, इनको हैप्पीनेस चाहिए, हीलिंग चाहिए, अपना पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हीलिंग चाहिए। इनको अभी भी और भी पैसा चाहिए, इनके इनको लगता है वो रोमांस नहीं आया है लाइफ में अभी तक, ठीक है। तो ये ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई एफर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच के अफसोस कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए, एंड ऑफ द डे ब्रोकन हार्ट, अभी इनका दिल हो सकता है किसी रीज़न से, या इनके लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, और इसलिए ये अभी कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि हमारे हमारा जो क्वेश्चन है, करंट फीलिंग्स क्या है, तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स मुझे ये दिख रहे हैं साफ कि आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं, पर अभी ये अपने पर्सनल हीलिंग पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से, वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप वन जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उनसे क्या बोलना चाहते हैं। पहला कार्ड है, यू मेक द वर्ल्ड सो मच ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपके साथ उनको ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है और वो आपके साथ ही अपने अपना जो है लाइफ एंजॉय करते हैं, ऐसा वो आपको बोल रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड आया है, वाई यू गेट एंग्री ऑन मी, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। तो हो सकता है अभी आप इनसे नाराज़ हो जिसकी वजह से वो उदास हैं। और क्या बोलना चाहते हैं। वन साइडेड लव, उनको लगता है इस वक्त उनका जो प्यार है वो वन साइडेड है। हो सकता है आप अपने लाइफ में आप इनको नहीं चाहते हो, उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो उनका दिल इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि उनको लगता है उनके लाइफ में हो सकता है सब कुछ है, पर अभी आप नहीं हो। उस चीज़ की जो है कमी आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रही है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, आई कॉन्ट पिक द परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। तो हर दिन उनका प्यार बढ़ते रहता है, उनके पास शब्द ही नहीं है कि वो एक्सप्रेस करें कि वो आपको कितना चाहते हैं। और देखते हैं और क्या है। आई एम फेड ऑफ यू, तो इस वक्त आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ते रहता है, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। आई रिमाइंड माई मेमोरीज विथ यू एवरी डे, तो आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को आपके पर्सन रोज़ याद करते हैं, रोज़ वही पुरानी बातें जो आप लोग के बीच में हुआ करती थी वो सारी बातें आपके पर्सन सोचते हैं। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर, बोलना चाह रहे हैं कुछ लोग हमें साथ में नहीं देखना चाहते। आई हैड नेवर ड्रीम्ड आई वुड लव समवन लाइक यू, आई वुड लूज समवन लाइक यू, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आपको चाहेंगे या आपके तरह पर्सन उनके लाइफ में आएंगे, और वो आपको बहुत स्पेशल बोलना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हो उनके लाइफ में। तो ये थी रीडिंग, होप आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप
वन चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया है, होली लव। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप टू होली लव चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। ग्रुप टू और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। पहला है यहाँ जैक ऑफ स्पेड, सेवन ऑफ क्लब, सिक्स ऑफ हार्ट, सिक्स ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ क्लब। तो यहाँ जो एनर्जीज हैं, यहाँ एंड है फोर ऑफ क्लब और फाइव ऑफ स्पेड। आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्यूरस और एरीज लियो सजिटेरियस स्ट्रांगली हो सकते हैं और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं है, सेपरेशन में है और बिल्कुल कट है आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है और उनका फोकस इस वक्त आपके तरफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं इस रिलेशनशिप में। और उसका रीज़न मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप फीमेल हैं, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप इस इंसान को बहुत चाहते हो, आपके दिल में इनके लिए बहुत स्ट्रांग इमोशंस है, एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है जो आप डीपली फील करते हो, ठीक है। पर आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बिजी रहते हैं, हो सकता है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कोई किसी बात को लेके कुछ मनमुटाव हुआ हो, जिसकी वजह से आप दोनों ने डिसाइड किया हो कि आप दोनों मूव ऑन करेंगे इस रिलेशनशिप से, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई है। पर ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों एक, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ क्लब है, तो हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हों एक दूसरे से, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा स्ट्रांग रिलेशनशिप है, बिल्कुल जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है वैसा आप लोग के बीच में हो सकता है, या फिर आप दोनों बहुत गहरे दोस्त हो सकते हो। मीन्स स्ट्रांग बॉन्ड आप लोग के बीच में मुझे यहाँ दिख रहा है, पर किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहां पर है नाइन ऑफ कप्स, चूज किया उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है एट ऑफ सोल्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ सोल्ड, यहाँ पर है लवर्स, यहाँ पर है मून, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं देखते हैं।
तो यहाँ पर है 9 of Cups और 6 of Swords। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है पास्ट में भी, या किसी दूसरे थर्ड पर्सन की वजह से। हो सकता है इनके कोई ऐसा पर्सन जो आप नहीं चाहता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, तो ऐसा भी कोई पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 of Cups है। तो 9 of Cups यही बता रहा है कि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, वो डिज़ायर करते हैं आपको, वो चाहते हैं आपको, और जो उनकी खुशी है वो आप ही से उन्हें मिलती है। पर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रॉब्लम्स है। हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में यहाँ प्रॉब्लम्स है। ये रेस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, इनका वर्क हो सकता है, या फिर इनका कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली भी हो सकती है। बेसिकली मुझे यहाँ कोई इंसान दिख रहा है जो आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इस वक्त उन चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हैं। हो सकता है कि उनके विश और उनके बीच में, ठीक है, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, पर उनके और आपके बीच में कोई ऐसी चीज़ है बीच में जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो एक बार हम 8 of Swords को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज 8 of Swords? एंजल्स प्लीज गाइड मी, व्हाट इज 8 of Swords प्रेजेंटिंग हियर? यहाँ पर है 6 of Cups और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि पास्ट की कोई चीज़ें हैं, हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो वर्क है वो आप लोग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या पास्ट का इनका कोई रिलेशनशिप है जो कि आप दोनों के बीच में इस वक्त आ गया है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई है। तो यहाँ पर है लवर्स इसको कवर करता हुआ, पर क्योंकि देखें यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड और मून दो नेगेटिव कार्ड के बीच में है, ये लवर्स का कार्ड, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको चाहते तो हैं, पर उनके अंदर कई चीज़ों का डर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी चॉइसेस हैं, इनके लाइफ में ऑलरेडी दो ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से ये कोई भी आपके तरफ जो है इस वक्त इमोशंस है पर डर जाते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में हो या आपके पर्सन के लाइफ में हो, जिसकी वजह से इनको लगता है ये एक्शन लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको चाहते ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, 9 of Cups का कार्ड आया है, तो ये भी हो सकता है। साथ में मुझे यहाँ एक एनर्जी आ रही है जो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किड के वजह से भी आप लोग के बीच में हो सकता है कि दूरियां आई है, या फिर हो सकता है इस इंसान के खुद ही ऑलरेडी कोई किड हो सकते हैं, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और वो उन चीज़ वो बीच में रेस्ट्रिक्शन बन रहा है। मीन्स उस किड के बारे में सोच में, उस बच्चे के बारे में सोच के हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और आपको बहुत रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, पर उनको ऐसा फील होता है कि आप अपने जो फीलिंग्स है वो आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर आप बहुत सारे चीज़ें हैं जो छुपाते हैं, उनको ऐसा भी फील होता है। हो सकता है आप पूरी तरीके से जो भी है आपके दिल में, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, हम इसमें आउटकम भी देखेंगे एंड में। देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। ग्रुप 2 अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स
टू अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स, यहाँ पर फोर ऑफ कप्स, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स। तो आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर हमें तीन फेस कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनके लाइफ में हो सकता है चॉइसेस हो, ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी अपने लाइफ में खुश हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि खुश हैं, इसलिए आपका जो भी प्रपोजल है या आपके साथ यूनियन वो नहीं चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि आपने हो सकता है अपने पर्सन को कुछ ऑफर दिया हो, आपने उनसे बात करनी चाही हो, पर आपके पर्सन का ध्यान दूसरी तरफ है, ऐसा आप फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आप अपने पर्सन से नाराज़ भी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है एम्प्रेस की तरफ ही देख रहा है, मतलब ये कार्ड बता रहा है कि इनका फोकस दूसरी तरफ है, ये आपको फील होता है। ऑलरेडी हो सकता है इनके मैरिज हो चुकी हो, इनके किड्स हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये हो, पर अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे आपके तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और वो अगर आपको चाहते हैं तो वो आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट करे, या तो फिर आप ये चाहते हैं कि या तो वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे या फिर आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, जो भी आपसे मैच होगा आपको वही लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, आप मैरिड पर्सन से फील कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सिंगल हैं और आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सिक्स ऑफ कप्स का जो कार्ड है, आप इस इंसान को अपना सोलमेट समझते हो, आप इनके लिए ही काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये भी सोचते हो कि अगर ये इंसान चाहे, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, अगर ये इंसान चाहे तो ये आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं। ये जो ऐसे कर रहे हैं कि मजबूर हैं बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने खुद के ही, इनको ही मन नहीं है, इसकी वजह से ये आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा भी आपको फील हो रहा है। ये अगर चाहे तो ये आपके तरफ डेफिनेटली आ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, पर ये खुद से ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी आप फील कर रहे हैं। तो और देखते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस इंसान की जो है मदर इन्वॉल्व हैं, और आप उनकी जो मदर है वो चाहती है कि उनका जो है फैमिली के पसंद से मैरिज हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, और आपका जो प्रपोजल है उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से आप इनसे इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ठीक है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ इस वजह से। देखिए यहाँ पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, और उसके बाद है कोडिपेंडेंसी और न्यू लव और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपको याद ज़रूर करते हैं, उसमें मुझे डाउट नहीं दिख रहा है कि याद आपको करते हैं, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप रहते हो, पर खुद को बहुत ज़्यादा मजबूर सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि
ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, उनको ये पता है कि आप उनको अभी भी चाहते हो, उस तरीके की फीलिंग्स इनके दिल में अभी भी है, पर वो अभी ऐसा लग रहा है उनका जो ध्यान है वो ज़्यादा, हो सकता है कोई नया पर्सन उनके लाइफ में आ गया है जिससे कि आपके पर्सन इस वक्त रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो आपसे इस वक्त बात नहीं कर पा रहे, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें जो ये है लड़का और ये जो लड़की है बात करना चाह रही है, पर इनका ध्यान देखिए कहीं और ही है। तो इस तरीके का ही सिचुएशन है इस वक्त, आपके पर्सन जो है उनका ध्यान दूसरी तरफ है, आपकी तरफ नहीं है, और इसी वजह से सेपरेशन में है आप दोनों, ठीक है। ये हो सकता है, और देखते हैं और व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंजल्स प्लीज गाइड मी, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रुप टू। बहुत सारे कार्ड आ गए एक साथ। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, यहाँ पर आया है अटैचमेंट, उसके बाद है सेवेंथ चक्र आर्क एंजल यूरियल, उसके बाद है एक्शन, यहाँ पर एनवी का कार्ड आया है, यहाँ पर है डोर टू वैल्यू, फोर्थ चक्र आर्क एंजल रेफियल। अभी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि ये कार्ड एंड ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है आर्क एंजल रेफियल, तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आपको आर्क एंजल रेफियल से प्रे करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो और आपके लाइफ में और आपके जो है दिल को सुकून मिले, ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो आपको प्रे करना चाहिए इस वक्त। यहाँ पर है अटैचमेंट, तो मुझे आउटकम में दिख रहा है कि अभी भी आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप इस इंसान को भुला नहीं सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देखिए यहाँ पर भी सिक्स ऑफ कप्स है, इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप इनको अपना सोलमेट समझते हो। पास्ट में जैसा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा है, बहुत लविंग रिलेशनशिप रहा है, जिसकी वजह से आप इनको भुला नहीं पाते हो। भले ही ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, पर आप इनसे जो अटैचमेंट फील करते हो, आप उसे इस जंजीर को तोड़ नहीं पाते हो, ठीक है। यहाँ पर जो सेवन चक्रा भी आया है आर्क एंजल यूरियल, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, या तो आप मेडिटेट करिए या कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी हीलिंग हो, ठीक है। आपको जिस वे से हीलिंग आप चाहते हो वैसे करिए, हो सकता है मेडिटेशन म्यूजिक सुनिए, या फिर किसी भी वे में आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, तो आप उससे की हीलिंग होगी। साथ में ऐसा लग रहा है कि एक्शन, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप इस इंसान के पीछे जा रहे हो, और हो सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पर एनवी है, हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम्स आ रही है, जो नहीं चाहता है। हो सकता है वो जो थर्ड पर्सन है, ये आपके जो पर्सन है उनके मनी और या फिर उनके फाइनेंसेस को देखकर आपके पर्सन के पीछे पड़ा होगा या पड़ी होगी, तो ये सारी रीजंस हो सकते हैं। तो आपके लिए आउटकम मुझे ये दिख रहा है इस वक्त, जो है आपके लिए ये गाइडेंस भी आया है कि इस वक्त आपको मेडिटेट करना चाहिए, अपने हीलिंग पे वर्क करना चाहिए। इस इंसान के पीछे अभी आपको नहीं इतना सोचना चाहिए, ना इनके पीछे कोई बार बार आप इनको हो सकता है कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, और ये आपको वहाँ से ब्लॉक कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अभी थोड़ा पॉज लेना है, आपको खुद के बारे में सोचिए, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी अभी आपके लाइफ में है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर है
सेवन चक्र आर्केंजल यूरियल को ये मिरर कर रहा है एनवी का कार्ड। तो ये कार्ड जो है एनवी का कार्ड, ये बताता है कि जब कोई इंसान अपने आप से खुश नहीं होता है तब ये कार्ड आता है, ठीक है, एनवी का कार्ड। क्योंकि देखिए ये जो लेडी है इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है, अभी भी बाहर देख रही है कि शायद मुझे जो चाहिए वो अभी नहीं मिला है। तो आपको इसलिए मेडिटेट करना चाहिए जिससे कि आपका जो सोल लेवल पे आप हील हो पाओ और आपको रियलिटी दिखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको करनी है, और इसका आउटकम अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के तरफ से कि वो खुद भी अभी अपने दूसरे चीज़ों में काफ़ी बिजी हैं, तो अभी आपको इस पर्सन के पीछे नहीं इतना भागना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया उनके पर्सन उन्हें क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड मी। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। आई एम वॉचिंग यू। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। Why I didn't understood your love, now I regret. Past life connection. और यहाँ पर भी है you can never move on from my thoughts. तो आपके पर्सन आपको इस वक्त नज़र रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। पर आपको देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो एडवाइस दिया है, अगर आप इस पर्सन के पीछे भागेंगे तो ये और भागेंगे, ठीक है। तो आपको अभी इस इंसान के पीछे भागना नहीं है, आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। इस इंसान को रियलाइज़ होने दीजिए आपकी वैल्यू, उसके बाद ये खुद ही आपके तरफ आ जाएंगे, खुद ही आपके पास आ जाएंगे। और जब आपको मिस करने लगेंगे तो आपके पर्सन खुद अपने तरफ से एक्शन लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थॉट्स। उनको लगता है कि आप बिल्कुल इनके लिए एडिक्टेड हो, आप इनके थॉट से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, ये जब चाहे आपके लाइफ में आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसा ये फील करते हैं। वाई आई डिंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। तो उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप उन्हें बहुत चाहते हो, पर वो पास्ट में आपका प्यार नहीं समझे और हो सकता है इन्होंने दूसरे चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो दी हो, ठीक है। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। अब आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो और वापस आ जाओ, पर मुझे ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इस वक्त वेट करना चाहिए। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग। तो फिजिकली भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम वॉचिंग यू, तो आपके बहुत पोस्ट देख रहे हैं, आपको आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपने इस वक्त रिलेशनशिप कट किया हुआ है, या फिर आप इनसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया है। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।